चीन के लोग जिंदा ही खा जाते हैं ये आठ जानवर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, दुनिया के हर देश में खान पान की अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन एक देश ऐसा है जहां जिंदा जानवरों को खाया जाता है। चीन में 28 जनवरी को मनाए जाने वाले लूनर न्यू ईयर की तैयारी जोरों पर है। इस दौरान तमाम परंपराओं के साथ खाने पीने पर भी खास ध्यान दिया जाता है। चीन के लोग जिंदा जानवर खाने के शौकीन हैं। यहाँ हम कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें डिश के तौर पर जिंदा ही परोसा जाता है। नंबर एक पर है ऑयस्टर यानी घोंगा। घोंगा ऐसे जानवरों में से एक है जिसे चीन के साथ साथ पश्चिम देशों में भी कच्चा या जिंदा ही परोसा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये मरने के बाद बहुत तेजी से खराब होने लगता है। नंबर दो पर है जिंदा झींगा। चीन के पॉपुलर डिश जुई सिया को ड्रैगन शेप झींगा के नाम से जाना जाता है। ये चीन के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट के भी कुछ चाइनीज रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। इसमें झींगे को शराब में डुबो कर रखा जाता है। वह बार बार बाहर निकलने के लिए उछल कूद करता रहता है और ग्राहक उन्हें पकड़ते रहते हैं। इसके बाद उसे खाना ज्यादा आसान हो जाता है। इसमें झींगा तब मरता है जब उसे चबाया जाता है। इस स्वादिष्ट व्यंजन का चीन के अलग अलग हिस्सों में उपयोग किया जाता है। यह डिश काफी महंगा है क्योंकि यह जिंदा ही सर्व किया जाता है। हालांकि इस डिश को चीन में प्रतिबंध कर दिया था, लेकिन अब भी यह आसानी से वहां मिल जाता है। नंबर तीन पर है मृत या जिंदा फिश। चीन में दूसरे पॉपुलर जिंदा खाया जाने वाला जानवर मृत या जिंदा फिश है। इससे बनने वाले इस डिश को इंग यांग यू के नाम से जाना जाता है। इसमें फिश को ऐसे ही डीप फ्राई किया जाता है जिसमें उसका सिर तेल में ना डूबे। ऐसे में ये फिश फ्रेश और जिंदा रहती है। इसे इतनी जल्दी बनाया जाता है कि मछली के अंदरूनी अंगों को नुकसान ना पहुंचे और वो 30 मिनट तक जिंदा रहे। यह डिश मीठे या खट्टे सॉस के साथ परोसा जाता है। नंबर चार पर है सांप। जिंदा सांप से बनी डिशेज चाइनीज के शेफ के लिए खासियत है। इस डिश को भी बड़ी तेजी से बनाया जाता है ताकि इसे जिंदा ही खाया जा सके। सांप को सिर अलग कर सांप की स्किन और आंते निकालनी होती है। इसके बाद सांप का ताजा और कच्चा मीट ही परोसा जाता है। नंबर पाँच पर है जिंदा ताजा गधा। चीन में जिंदा और फ्रेश गधा हुआ जियो लू डिश के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए गधे के हाथ पर बांधकर जिंदा इसकी बॉडी पार्ट काट दिया जाता है। इसके बाद तुरंत इसका कच्चा मीट कस्टमर को परोसा जाता है। हालांकि चीन के हैनान और हुबेई में सरकार ने इसे बैन कर दिया है। नंबर छह पर है बंदर का कच्चा ब्रेन। चीन में जिंदा बंदर के ब्रेन स्पेशल और महंगी डिश में से एक है। इसका टेस्ट लेना सिर्फ रईस लोगों की बस की बात है। कई लोग तो इस डिश का ऑर्डर अपनी शान शौकत दिखाने के लिए करते हैं। इसके खराब टेस्ट के चलते इसकी सिंगल बाइट चबाना भी हर किसी के बस की बात नहीं। हालांकि चीन में ये डिश अब बैन हो चुकी है, लेकिन गुआंगडोंग प्रोविंस में ये अभी भी कई जगह मिलती है। नंबर सात पर है चूहे के बच्चे। चूहे के नवजात बच्चे चीन में सबसे ज्यादा बिकने वाली डिश में से एक हैं। कस्टमर को ये चॉपस्टिक और स्पाइसी सॉस के साथ सर्व किया जाता है। इस डिश को थ्री स्क्वीज बेबीज कहा जाता है। इसे खाने का तरीका भी काफी अजीब है। पहली बार में इसे चॉपस्टिक से एक ही झटके में खा लिया जाता है। इसके बाद सॉस के साथ खाया जाता है। यह डिश भी चाइना में बैन है, लेकिन फिर भी ये कई जगह वहाँ देखा जा सकता है। दोस्तों, आपका चाइनीज लोगों के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।